हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पापिया व्लॉग्स। तो ये सब आइटम्स देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं मैं आप लोगों के साथ अपना ग्रॉसरी हॉल तो नहीं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आज का वीडियो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल बेनिफिशियल वीडियो लेके आई हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि हम अपने लाइफ में खुद के एक्सपीरियंस या दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं और ग्रो करते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम बेनिफिटेड हुए स्पेशली, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। क्या पता कौन सी बात दूसरों के लिए यूज़फुल साबित हो। इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए मैंने ये शॉर्ट सा वीडियो बनाया है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये शॉर्ट सा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या पता किस पॉइंट में आप लोगों के लिए कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन छिपी हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पापिया ब्लॉग्स को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मोस्टली ये स्नैक्स के आइटम हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और उनमें से एक जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज का फेवरेट होता है, ये पिकल है। ये स्नैक्स की कैटेगरी में आता नहीं है, पर ये जो है अनहेल्दी फूड के कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटी में दाल चावल के साथ या रोटी पराठे के साथ इसको पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्ट फैक्टर। या किसी सब्जी वेजिटेबल का ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है, अगर हम जल्दबाजी में नहीं बना पाए तो हम एटलीस्ट पराठा अचार खा के अपना पेट भर सकते हैं। पर ये है कि काफ़ी स्पाइसी और ऑयली होता है, इसलिए हम कम क्वांटिटी में खाएं तो अच्छा है। तो मैं सिंधी पिकल का ये करेला जो है ना, ये सिंधी ब्रांड का करेला पिकल लेके आई हूँ। और ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ये कालनजी दिया हुआ है, करेला तो है ही मेन इंग्रेडिएंट। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारे यहाँ कोई डायबिटिक तो नहीं है, पर करेला पिकल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, हेल्दियर ऑप्शन लगा, हालांकि है नहीं, तो ये मैंने परचेज़ कर लिया। रही बात इसकी नेट वेट की, तो मैं वो बता दूँ आपको, ये मुझे 500 ग्राम्स का 220 रुपीस में मिल गया है। जुलाई 2022 इसका पैकिंग डेट है, ये वन ईयर तक इसका एक्सपायरी है। सिमिलरली मिक्स पिकल सेम सिंधी ब्रांड का 16/8/2022 रिसेंटली पैक किया गया है, 500 ग्राम्स का है, 220 रुपीस का है। और इसमें आम, गाजर और सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो मिक्सड है। तो ये रही बात अचार की। नेक्स्ट अनहेल्दी स्नैक ही कहेंगे, ये हल्दीराम का हींग जीरा मटर। ये स्नैक्स आइटम के लिए सही है, टी टाइम के लिए ठीक है, इसलिए मैंने स्मॉल क्वांटिटी में लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। हल्दीराम का मूंग दाल कौन नहीं जानता, सबका फेवरेट है, ये भी फेवरेट टी टाइम है। ये लेस ऑयल में फ्राई होता है, इसलिए मैंने इसे ले लिया है कम क्वांटिटी में। मेरा फेवरेट एक्चुअली ये है हल्दीराम का लाइट मिक्सचर सेंसिबल स्नैकिंग, क्योंकि ये चूड़ा से बनता है, कॉर्नफ्लेक्स और चने से बनता है, कड़ी पत्ता दिया हुआ है और काफ़ी लाइट वेट है, डीप फ्राइड ऑयल नहीं है, एयर फ्रायर में बनाया जाता है इसे पफ राइस से, तो ये काफ़ी मेरा फेवरेट है। और नेक्स्ट है ये सिंपल बिस्किट, जो टी टाइम स्नैक के रूप में आप खा सकते हैं। मेरा फेवरेट है ये जिम जैम, क्योंकि इसमें जो क्रीम एंड जेली लगा है, मैं आज भी ये मेरा फेवरेट है। जो फ्रेंड्स ये पसंद करते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये टी टाइम हो या नॉन टी टाइम, एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट मैं इसे खा सकती हूँ एज अ स्नैक। अब बात करते हैं हेल्दी स्नैक्स की, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, ये सिंधी ब्रांड का ही आप देख सकते हो मूसली, मूसली विद ड्राई फ्रूट्स। इसमें आमंड्स है, क्रैनबेरीज है, फिर ड्राइड मेलन सीड्स है और ड्राइड रेजिन्स है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मुझे कोविड हुआ था, तो मैं काफ़ी वीक हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने मुझे ड्राई फ्रूट्स लेने कहा था, जो कि मैं ले नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया, ये मूसली के साथ ड्राई फ्रूट मिक्स, एक साल से मैं वार्म मिल्क के साथ एक चम्मच डाल देती हूँ बोल में और वो गर्म दूध में फूलने देती हूँ, और शुगर नहीं डालती हूँ, उसका रिप्लेसमेंट हनी डाल देती हूँ और उसको फूलने देती हूँ, स्वेलन अप होने देती हूँ। जब वो फूल जाता है 10-15 मिनट के बाद, तब मैं खाती हूँ। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, एक साल से मैं ये खा रही हूँ, इतना बेनिफिटेड हुई हूँ। काफ़ी मेरा शरीर वीक हो गया था और फटीग होता था, एनर्जेटिक नहीं थी, पर जब से ये एक साल से मैं ले रही हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ।
तो ये विंटर टाइम आ रहा है, आप लोग भी इसे अपने ब्रेकफास्ट या स्नैक्स आइटम में इसे इंक्लूड कीजिए, रिप्लेस कीजिए बाकी स्नैक आइटम से जो अनहेल्दी है, रिप्लेस इट विथ मोस्टली। आप इसे इवनिंग में भी खा सकते हैं 10 टू 15 मिनट्स बिफोर टी टाइम या कॉफ़ी टाइम, बहुत ही हेल्दी है। एंड ब्रेकफास्ट में मिल्क के साथ तो ज़रूर इंक्लूड कीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा हेल्थ वाइज, जैसा मुझे किया है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आज का ये शॉर्ट सा वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल साबित होगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पापिया व्लॉग्स को सब्सक्राइब विद बेल कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले कि मैंने वीडियो कब अपलोड किया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।